अल्हम्दुलिल्लाह जो भी करता हूँ तो श्योर हो के सर, जब मेरी ट्रेड प्योरिटी 100% होती है फिर मैं NCVT में देता हूँ। आप अगर इसको मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूँगा कि कहीं भी आप मेरी लाइनें देखें और उनको आप कहें कि इसको ग्लाइफोस लगाएं, इंशाल्लाह इतना जो है डैमेज नहीं होगा। जी सर, और ये ट्रायल हम सुमरो साहब के साथ कहीं 2018-19 में पहला ट्रायल था, जो पहली दफा हमने इसका सेट बनाया था, तो उसमें भी 70-75% ऐसे ही था उस वक्त भी डैमेज था, और सूरत हाल ऑलमोस्ट वही है। मीन आप कह लें कि 4-5 सालों में टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, जो उस वक्त ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस की सूरत हाल थी और ससेप्टेबल प्लांट्स उसमें थे, अभी वही सूरत हाल है, वही डैमेज हो रहा है। तो किसान लोग अपना मीन देखे, हमें कमेंट बैक दे सकते हैं कि उनके यहाँ फील्ड में क्या सूरत हाल हुई है और इससे कितना नुकसान होता है, और जो नुकसान हुआ है तो वो तो चले हुए हैं। आने वाले सालों में इसी सीड के से जिस बंदे के पास चला जाता है सीड, उसने तो अब नहीं देखना कि क्या है या क्या नहीं, उसने लगाना है, मल्टीप्लाई करना है, आपको बेचना है। इवन में भी शायद कोई बहुत से लोग ऐसे ग्रुप ही होंगे जो वीडिसाइड स्प्रे भी नहीं करते होंगे, मुमकिन है बस जगहों पे, और उसके बगैर मल्टीप्लाई करके आपको दे देंगे और उसे फ्यूचर में बहुत नुकसान के चांसेस हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।